वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, हम लोग आ गए हैं। आज है भंडारा और बेटू के पापा भी आ गए। क्या हुआ? बेटू के पापा भी आ गए हैं, आपको दिखाऊं? ये पीछे आ रहे हैं पापा, और भैया लेकर के आया है, मतलब भैया भाभी मम्मी लोग सब लोग सुबह ही आ गए थे हवन के टाइम पे ही। हम लोग अभी दोपहर में आए तो भैया चला गया था लेने हम लोग को। ए भाभी मेरा भी इसी में डलवाएंगी क्या? हाँ हाँ, अलग अलग रखिए। एक कोई पॉलिसी नहीं है तो के साथ हम लोगों ने लिया हुआ है। तो ये आपको दिखाऊं प्रसाद? हाँ ठीक है। और क्या कोइंसिडेंट था कि सोचो जो पापा के पास ये सेब रखा हुआ था ना, क्या करे, जो पापा के पास सेब रखा हुआ था ना पंडित जी, वही वाला उठा करके मुझे दिए हैं। मम्मी तुरंत देखी, तुरंत मुझे कह रही कि देखो पापा वाला प्रसाद तुम्हें दिए हैं, ये दुखी दिए हैं। और कुछ बस हो गया, अब भंडारा स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग चल रहे हैं, खाना खाएंगे। आदमी लोग सब लोग खा रहे हैं, आपको दिखाते ये जो मतलब घर के हैं रिश्तेदार हैं ना, वो सब लोग खा रहे हैं। और भंडारा दूसरी साइड भी स्टार्ट हो गया, आप लोग को चल के मैं दिखा रही हूँ। और अभी अंदर हॉल में हम सब लोग भी बैठ करके खाएंगे, तो मैं आपको इधर वाला दिखाती हूँ। नमस्कार, मजे में? एकदम बढ़िया। ये आपको दिखाऊं, यहाँ पर सुबह सुबह ही ना हवन स्टार्ट हो गया था और मम्मी भाभी लोग सब लोग आ गई थी, मैं फिर अभी बाद में आई हूँ। हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और सब लोग ऐसे साथ में नीचे फर्श में बैठ करके जब खाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। और भंडारे का मतलब ही होता है ऐसे नीचे ना फर्श में बैठ करके, और ये जो ऐसे पत्तल टाइप की थाली आती है ना इसमें खाना, तभी लगता है भंडारे वाली फील आती है। और आपको खाना भी दिखा दूँ क्या क्या बना है। तो 3-4 तरह की सब्जी बनी थी और मीठे में यही बूंदी है, रसगुल्ला है, और साथ में रायता है, पूड़ी, कचौड़ी, पापड़। ये आपको दिखा दूँ, हम लोग की थाली भी लग गई है। तो पनीर की सब्जी है और साथ में अभी डली है ये सूखी सब्जी, ये आलू कद्दू ऐसे टाइप की सब्जी है, और अभी एक मिक्स वाली भी बनी थी, आलू गोभी मटर ऐसे टाइप वाली। और सच बताऊँ हाँ, कचौड़ी भी मैंने एक ले लिया था और वो सूखी सब्जी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। पनीर की तो मैंने ना बहुत नाम मात्र ही खाया था, क्योंकि भंडारे में पनीर की सब्जी खाने में मज़ा नहीं आता है। भंडारे का मतलब ही होता है ऐसे वाली कद्दू की हुई है, बैंगन की हो, सूखी सब्जी, और जो मोटी मोटी पूड़ियां कड़ाहे की रहती है ना, उसी में मजा आता है। Thank you.
और अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम सब लोग जितने भी लेडीज हैं ना घर की सब स्टेज में क्यों ऐसे चढ़े हुए हैं। तो हम लोग ना कलश लेने के लिए चढ़े हुए हैं। जो कलश यात्रा वाले दिन हम सब लोग अपने सर में कलश रखे हुए थे ना, तो अभी ब्यास जी वही एक एक कलश हम सबको देंगे प्रसाद के तौर पे। और वो कलश ना बहुत मायने भी रखता है कि हाँ प्रसाद में भगवान जी का प्रसाद मिला हुआ है। तो अभी जितनी भी लेडीज ले रखी थी ना अपने सर में कलश, उन सबको एक एक कलश मिलेगा। तो कलश यात्रा वाले दिन कलश ले रखे थे ना, तो अभी व्यास जी ने हम सबको अपने हाथों से कलश दे दिए हैं। चलते हैं नीचे और ये आपको दिखाऊंगी जब सब खाना खा रहे हैं। जी आप तो ज्यादा खा रहे हैं। पानी इसमें तो हमारे में नहीं, सॉरी पानी नहीं जल। और यहाँ की शान, यहाँ की जान, यहाँ की मां, पूजा जी इसके बाद सुंदर सी आवाज हमारी पूजा भगवान के द्वारा आपको दिखाऊं। बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। तो ये हमारे ना बांदा जिला का एकदम फेमस वाला रिचुअल है दिवाली टाइम का। इसको दिवाली बोला जाता है। तो दिवाली के बाद ना ये कम से कम 15-20 दिन तक ऐसे ही चलता है। हमारी बुआ लोग का मतलब इतना एज गैप है हम लोग से, बट फिर भी अभी ना सब बराबर के ही लगते हैं। सब टक्कर देती है एक दूसरे को। ये एक दूसरे का प्यार है ना, एक दूसरे का।
का प्यार है, नजर उजर कुछ नहीं होता है। थैंक यू प्राची तारीफ करने के लिए, थैंक यू। लग जाएगी तो अभी ना इस टाइम पे सबकी हालत खराब हो रखी है, बुआ की भी तबीयत खराब हो गई थोड़ी थोड़ी, मेरी तो पहले से ही है। सब लोग ना रुचि को मिस कर रहे हैं, रुचि नहीं है, रुचि दीदी नहीं है, और बिट्टू पहले दिन ही बस आई है, और अभी वो दोनों भी होती ना तो और ज्यादा मजा आता, सब लोग रहते हैं। बुआ आप लोगों ने खाना खाया है? अभी खाना नहीं खाया, खाते पीते आई होगी ना बड़े आराम से, परी झूम रही है, कुछ नहीं खाया लेकिन मन नहीं खाने का भी खाया। अच्छा तो चलते हैं, रो रहा है उद्दू। क्या उद्दू, क्या जगा दी उद्दू? क्यों मार रहा है मम्मा? तेरे के लिए वीडियो बनाया नहीं, मैं रहा जा रहा हूँ। आज ये बहुत सोया है, इतना शोर शराबा हो रहा था। आप माँ को पा गए ना, भागो सुनने नहीं गई। हाँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप बस उसको मम्मा की गोद में टलना है और कुछ नहीं।